गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय गुंडावर, केमिस्ट्री फैकल्टी। टुडे विल डिस्कस अबाउट एटार्ड रिएक्शन। क्या है बच्चों? एटार्ड रिएक्शन। इन दिस एटार्ड रिएक्शन वी प्रिपेयर बेंजोल्डिहाइड, फ्रॉम मिथाइल बेंजीन आर टोलिन, एंड रिएक्शन इज एटार्ड रिएक्शन। ओके, सो देखो यार, टोलिन फार्मूला इज C6H5CH3। क्या है बच्चों? C6H5CH3। एटार्ड रिएक्शन में अपने को दो अलग अलग रिएक्शन रहेंगे, ओके। अभी फर्स्ट रिएक्शन में देखो, यहां क्रोमाइल क्लोराइड लेते, क्या लेते? क्रोमाइल क्लोराइड। फार्मूला क्या है? CrO2Cl2। मैं यहां लिख देता हूं क्रोमाइल क्लोराइड, और यहां सॉल्वेंट रहेगा नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन सा रह सकता है? CH2 भी ले लो और उसके बदले कार्बन टेट्रा क्लोराइड, हो गया। अभी ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। तो देखो, व्हेन टोलिन रिएक्ट विद क्रोमाइल क्लोराइड, सो यहां कितने हैं? CrO ऑक्सीजन कितने हैं? इसमें से एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डायरेक्टली रिएक्शन कर सकता है, ये अपन सीखते हैं मेकेनिज्म में। ओके, सो देखो यार, C6H5 यहां कुछ चेंज नहीं है, बट यहां मान के चलो अगर इस तरह लिख दिए, 1 2 3, इसमें एक हाइड्रोजन के बदले, आपको मिल जाएगा O, देखो इसमें O Cr, इसमें और एक O है, इसमें क्या? H, तो क्या बनेगा? OH। यहां Cl2 एज इट इज है Cl। देखो, एक हाइड्रोजन के बदले ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया है, और यहां का एक हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया है? OCrOHCl2। और सेकंड हाइड्रोजन के साथ इसका सेकंड मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हो जाएगा, वो भी क्या बनाएगा? OCrOHCl2। हो गया बच्चों, इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ऑरेंज कलर कॉम्प्लेक्स और रेड कलर कॉम्प्लेक्स। जैसे क्रोमियम का कलर रहेगा वही कलर रहेगा। ओके, नाउ दिस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स अंडरगोस हाइड्रोलिसिस। आपको पता है हाइड्रोलिसिस बोलते हैं H+OH-। हाइड्रोलिसिस कहां हो जाएगा? इस वाले बॉन्ड के ऊपर। तो यहां मैकेनिज्म किस तरह है अपन मैकेनिज्म में डिस्कशन करेंगे, बट यहां डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट बता देता हूं, C6H5। देखो सी एच तो कॉमन है, ओके, इन दोनों के बॉन्ड्स जो भी हैं उसमें एक वाला बॉन्ड निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन यहां रहेगा, तो फाइनली क्या बना है? C6H5CH4। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं बेंजोल्डिहाइड। अभी देखो, यहां से C6H5CH3, यहां से कितने हाइड्रोजन निकल गया है? 2। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आल्सो ऑक्सीडेशन। बट अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा तो आर्डिहाइड के बदले क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। बट अपने को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग लिए तो रिएक्शन कहां रुक जा रहा है? बेंजोल्डिहाइड, आर्डिहाइड। अभी यहां सेकेंडरी एजेंट देखो यार,
यहां लेते हैं सीआर ओ थ्री क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, इट इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां क्रोमाइल क्लोराइड के बदले लेते हैं सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ टेकन ट्वाइस ओ, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। अभी एसिटिक एनहाइड्राइड का और भी अगर फार्मूला लिखते हैं तो इसको किस तरह लिखते हैं? सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। ओके, तो देखो इसमें से सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री सी ओ, यहां जो ऑक्सीजन है इस तरह लिख दिया हो टेकन ट्वाइस, ये रहेगा एसिटिक एनहाइड्राइड का टोटल स्ट्रक्चर। और ये वाला हाफ वाला है, किसी को क्या बोलते हैं? एसी टू। और यहां रिएजेंट क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड फिर से क्या होगा? सेम इसमें जैसा होगा, एक हाइड्रोजन के बदले एक ग्रुप, दूसरे हाइड्रोजन के बदले दूसरे ग्रुप, बट यहां भी कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट होगा? दो। तो देखो यहां सी सिक्स एच फाइव सी एच, एक हाइड्रोजन के बदले यहां बनेगा ओ सी ओ सी एच थ्री, इसमें से आधा पोर्शन। ओके, और एक हाइड्रोजन के बदले और एक सी ओ सी एच थ्री। ओके, ओ सी ओ सी एच थ्री हो गया। आगे इसको क्या बोलते हैं? डाई एसिटेट कॉम्प्लेक्स और डाई एसिटेट डेरिवेटिव। नाउ दिस डाई एसिटेट डेरिवेटिव अंडरगोस हाइड्रोलिसिस। जब ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो फिर से हाइड्रोलिसिस से क्या होगा? एक ग्रुप यहां से निकल जाएगा और दूसरे ऑक्सीजन इसको अटैच हो जाएगा, तो अपने को क्या मिल जाएगा? सी सिक्स एच फाइव सी एच डबल बॉन्ड। देखो दो हाइड्रोजन के बदले एक ऑक्सीजन, तो फाइनली कार्बन का बैलेंस ही सेटिस्फाई हो गया और ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड। तो ये बनेगा बेंजोल्डिहाइड, बेंजोल्डिहाइड। अभी इसमें रिएजेंट अलग अलग है बट प्रोडक्ट एक ही है। और यहां हाइड्रोजन के बदले कौन सा एटम सब्स्टिट्यूट हो रहा है? ऑक्सीजन। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, बट ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है क्या? नहीं, इसको क्या बोलते हैं अपन? पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? पार्शियल ऑक्सीडेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फाइंड आउट इन विच रिएक्शन पार्शियल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। क्या है? पार्शियल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है? हेटर्ड रिएक्शन में। हो गया, तो और एक बार एक्सप्लेन करता हूं। देखो व्हेन टोलुइन रिएक्ट विथ क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिंपली विल गेट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स एंड दिस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स अंडरगोस हाइड्रोलिसिस टू गेट बेंजोल्डिहाइड। नाउ सेकेंड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इट रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, सो सिंपली विल गेट डाइएसिटेट डेरिवेटिव और डाइएसिटेट कॉम्प्लेक्स। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स अंडरगोस हाइड्रोलिसिस टू गेट बेंजोल्डिहाइड। सो दिस इज द रिएक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर ऑक्सीडेशन इज पार्शियल ऑक्सीडेशन और पार्शियल ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन दैट इज हेटर्ड रिएक्शन। ओके, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी अपन पढ़ेंगे मैकेनिज्म। देखो बच्चों अभी मैकेनिज्म में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, फर्स्ट क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। ओके,
अभी क्रोमाइन क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन चल रहा है? टोलिन के साथ। अभी टोलिन में कितने हाइड्रोजन रहेंगे? देखो बच्चों, तीन, इस तरह लिख दिया। अभी कितने मॉलिक्यूल का क्रोमाइन क्लोराइड पार्टिसिपेट हो रहा है? दो मॉलिक्यूल। उसको अलग अलग से यहां लिख देता हूं। देखो, ओ डबल बॉन्ड सी आर, डबल बॉन्ड ओ सी एल सी एल, हो गया एक मॉलिक्यूल। और यहां सेकंड मॉलिक्यूल लिखता हूं, सी आर डबल बॉन्ड ओ सी एल सी एल, हो गया बच्चों। अभी इसमें फर्स्ट क्या करना है याद रखो, फर्स्ट क्रोमियम और ऑक्सीजन के जो बीच वाला डबल बॉन्ड है उसमें पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, होमोलाइटिक फिजन। या होमोलाइटिक फिजन में क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम की तरफ, हो गया। अभी यहां होते ही यहां भी वही प्रोसेस हो जाएगा, यहां का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन की तरफ, एक कार्बन की तरफ, हो गया। ओके, अभी यहां जो इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो गया है, ये तो हो गया एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ, एक कार्बन की तरफ, यहां भी एक पाई बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन क्रोमियम की तरफ, एक ऑक्सीजन की तरफ। सेकंड, यह एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, होमोलाइटिक। यहां भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ, तो कंप्लीटली यहां से ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो रिलीज हो रहा है। बट ये वाला जो हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैच होना है, तो इसमें दूसरा जो पाई बॉन्ड है यहां का भी फिर से क्या बनेगा, होमोलाइटिक फिजन बनेगा। ओके बच्चों, देखो होमोलाइटिक फिजन मीन्स क्रोमियम के ऊपर जो डबल बॉन्ड्स थे उसमें से वीकर बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड इज ब्रोकन, हो गया। यहां भी पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, जैसे यहां ब्रेक हो गया उसी समय यहां भी ब्रेक हो जाएगा। अभी इसमें देखो, जो वाला हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है, यहां से जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो किसके साथ जुड़ेगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ, हो गया। अभी यहां से जो एक हाइड्रोजन निकल रहा है, ओके, इन दोनों में एक ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन कर लेगा, अपन इसके साथ दिखाएंगे, हो गया। अभी ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चले गया और ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चले गए, हाइड्रोजन तो रिलीज हो गया, बट कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस है वो किसके साथ जुड़ना है, बाकी अनरिएक्टेड यहां जो ऑक्सीजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखो यहां ये, और यहां का इस तरफ वाला एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो कंप्लीटली समझ में आया होगा, यहां का डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां का भी और यहां का, यहां डबल बॉन्ड ब्रेक होते ही जो एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया है, और यहां का एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ, यहां का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ, यहां का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ, ओके, और यहां का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ मिल गया। अब यहां एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ओके, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। और यहां अपने को क्या लेना आता, कार्बन डाइसल्फाइड ये तो रहेगा। अभी इसको देखो, लिखता हूं मैं C6H5,
CH. और यहां अभी देखो डायरेक्टली एक फर्स्ट एक लिखेंगे, ये कार्बन बॉन्ड इसके साथ जुड़ गया O, और अभी डबल बॉन्ड कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड CR, और यहां का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया OH. और यहां क्लोरीन में कुछ चेंज है क्या? नहीं हो गया बच्चों. अभी इसमें भी यहां भी इसका जो है ये सेम बनेगा. तो देखो इस वाले कार्बन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है इस वाले ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली जुड़ जाएगा O, और यहां का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया और क्रोमियम. एंड ये वाला ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा O है, और यहां का Cl एज इट इज Cl2. तो देखो ये वाला इंटरमीडिएट, इसको क्या बोले अपन? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. क्या बोले? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. अभी इस वाले क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में अभी क्या होगा? हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस में एक H प्लस एक OH माइनस, एक H प्लस एक OH माइनस. तो अभी देखो इस दो ऑक्सीजन पहले एक क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन इस वाले इलेक्ट्रॉन को उसके तरफ खींच लेगा. खींचते इसके ऊपर क्या बनेगा? देखो बच्चों यहां माइनस हो गया, इसके पास प्लस. देखो ये वाला सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या करेगा? खींच ले रहा है, तो खींचते ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, यहां प्लस. यहां का माइनस अभी किसके साथ जोड़ना है? इसके साथ. तो थोड़ा देर वैसे रहने दो. ओके अभी यहां का प्लस, यहां का प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा? इसके साथ. तो इसको इंडिकेट करता हो इसके साथ. तो ये तो बाहर निकलने वाला ग्रुप है, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं अपन? CR OH. यहां का OH और ये वाला OH क्या बन रहा है? टेकन ट्वाइस Cl2, ये एक निकल गया. हो गया. अभी ये वाला इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ. ऑक्सीजन की तरफ जाते ही ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा? माइनस, कार्बन के ऊपर प्लस. हो गया. अभी ये वाला ऑक्सीजन माइनस जो है किसके साथ जुड़ जाएगा? H प्लस के साथ. तो देखो इसको इस तरह दिखा रहा है. हो गया इस H प्लस के साथ. तो इसका फॉर्मूला देखो अभी Cr OH OH. यहां का ऑक्सीजन, यहां का हाइड्रोजन टेकन बाय Cl2. तो पूरा कितने मॉलिक्यूल बन गया? यहां से ये पूरा निकल गया. और रिमेनिंग जो रहेगा देखो यहां C6H5, यह कॉमन क्या है? ऑलरेडी कॉन्स्टेंट H. अभी देखो इस कार्बन का प्लस और ऑक्सीजन का माइनस क्या बनेगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. और ये क्या है? बेंजॉल्डिहाइड. हो गया बच्चों, ये रहेगा फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड. सो देखो और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं. मेटोलिन रिएक्ट विथ क्रोमाइल क्लोराइड, पहले यहां का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहां का डबल बॉन्ड. इसमें से एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और बाकी ऑक्सीजन कार्बन के साथ. यहां जैसे हो रहा है यहां भी वही हो रहा है. तो यहां अपने को एक कॉम्प्लेक्स बनेगा CH OCr OH Cl2 OCr OH Cl2. अभी ये वाला कॉम्प्लेक्स हाइड्रोलिसिस में गया है
तो यहां से ये वाला पोर्शन बाहर निकल गया, ये वाला पोर्शन बाहर निकलते अपने को बचा हुआ है बेंजाल्डिहाइड। ये रहेगा मैकेनिज्म ऑफ फर्स्ट रिएक्शन। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपन दूसरा भी करेंगे। देखो बच्चों, उसमें सेकंड रिएक्शन किसके साथ था? एसिडिक एनहाइड्रेट। तो देखो एसिडिक एनहाइड्रेट को लिख रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहां भी कितने मॉलिक्यूल लेना है? दो मॉलिक्यूल। तो जब दो मॉलिक्यूल लेते हैं तो इसका देखो इसको ऊपर की तरफ लिख देता हूं। हो गया बच्चों, अभी यहां देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला इलेक्ट्रॉन फिर से क्या बनेगा? होमोनाइट्रिक बनेगा। हो गया, यहां होमोनाइट्रिक एट द सेम टाइम इस वाले कार्बन हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन वही करे वही जैसा स्प्लिट हो जाएगा जैसे फर्स्ट रिएक्शन पड़े। तो यहां से सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हो गए, यहां से ये भी ब्रेक हो गए। अभी यहां का एक हाइड्रोजन ये वाला किसके साथ जुड़ेगा? इसके साथ, इस वाले कार्बन के साथ। हो गया, और यहां का एक हाइड्रोजन इस वाले स्पीसीज के साथ, यहां से जो आउटपुट निकल रहा है। हो गया, ये दो बाहर हो गए। अभी रही बात यहां का O, वो किसके साथ जुड़ जाएगा? ये वाला ग्रुप इस कार्बन के साथ। तो यहां का पूरा इस तरह लिख के लिख रहा हूं। और अभी यहां का ये वाला ग्रुप ओके किसके साथ जुड़ रहा है? फिर से कार्बन के साथ। कंफ्यूज मत हो जा, जस्ट यहां इस वाले ग्रुप पूरा इस कार्बन को और इस वाले ग्रुप इस कार्बन को जुड़ा दिया। हो गया, अभी यहां क्या हो गया? ये किसके प्रेजेंस में? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। तो अभी इसको लिख रहा हूं, देखो C6H5। नेक्स्ट यहां क्या है? CH। और यहां कार्बन किसके साथ जुड़ जाएगा? O, C डबल बॉन्ड O CH3। और यहां इस वाले कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ O C डबल बॉन्ड O CH3। ये रहेगा डाइएसिटेट इंटरमीडिएट, डाइएसिटेट कॉम्प्लेक्स। ओके, अभी इस वाले कॉम्प्लेक्स कहां जा रहा है? इस वाले कॉम्प्लेक्स हाइड्रोलिसिस में। हो गया, अभी हाइड्रोलिसिस में क्या बनेगा? फिर से जो फर्स्ट स्टेप में बना है, फर्स्ट स्टेप में क्या बना है? इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन। तो देखो यहां का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन उसके तरफ खींच लिया है। ओके, तो यहां से ये रिलीज हो गए। ये रिलीज होके इसके ऊपर क्या बन रहा है? माइनस। माइनस अभी किसके साथ जुड़ेगा? प्लस के साथ। ओके, अभी इस वाले इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगी, तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, इस कार्बन के ऊपर प्लस। तो ये वाला कार्बन इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा, इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा। तो अभी देखो जो बाहर निकलने वाला ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड O O एंड यहां का H हो गया CH3CO2H। रही बात सेकंड, CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो टू मॉलिक्यूल्स ये बाहर निकल गया एसिटिक एसिड। अभी यहां से तो ये पूरा निकल गया, और रही बात ये वाला ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं माइनस, और यहां कार्बन के ऊपर प्लस। तो सिंपली आपको क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड O
ये क्या है बच्चों, बेंजाल्डिहाइड। बन गए आपको बेंजाल्डिहाइड। देखो और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस वाले जो रिएजेंट है इसमें ये वाला जो बॉन्ड है इधर या इधर आप कुछ भी कर सकते हो, यहां का इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ, यहां होते यहां कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वाला इलेक्ट्रॉन में शिफ्टिंग हो जाएगा, फिर ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ जुड़ के बाहर निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ के बाहर CH3CHO के फॉर्म में निकल जाएगा, उसके बाद ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, ये वाला जो ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ के ये वाला एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। अभी ये वाला एक कॉम्प्लेक्स हाइड्रोलाइसिस में जा रहा है, तो यहां क्या बन रहा है देखो, यहां का O ये इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, तो यहां इसके ऊपर माइनस माइनस रिएक्ट में प्लस, तो क्या बना है CH3COO। और यहां का ये सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा है, ऑक्सीजन की तरफ, तो यहां से CH3CO प्लस निकला है, यहां का प्लस इस OH माइनस के साथ, तो CH3COH, तो यहां दोनों के बीच में अट्रैक्शन बनने क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, तो ये बना है बेंजाल्डिहाइड। तो ये रहेगा एटार्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म। If you like my video, then like, subscribe and share. Thank you.